जिम अफ्रो टी टेन टूर्नामेंट का एक बेहतरीन टी टेन मुकाबला के बारे में, और दोनों टीम ने लास्ट वाला गेम हार करके आ रही। कल एक एक मुकाबला खेला था हमने, टूर्नामेंट मैचेस कवर किया था, काफ़ी शानदार विनिंग करा, बट इन दोनों टीम ने ऑलरेडी हार करके आ रही है। स्कोरिंग तो ठीक ठाक करा था, बीबी की टीम ने भी खेला था एक मैचेज, और सिटी एसए के जो टीम्स है इनकी टीम ने भी ऑलरेडी एक मैचेस खेली है जहाँ पे इनकी टीम्स ने हारे थे। वो सब चीज़ मैं आपको क्लियर करके दूंगा कि कौन आपके लिए स्मॉली के पिक रहेगा, कौन आपके लिए जीएल का पिक रहेगा। बीबी की टीम लास्ट वाला गेम हारी थी, तो वो सब चीज़ मैं क्लियर करूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, पहले आप टेलीग्राम पे जुड़ो, क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता है ना कि जो भी हमारी फर्दर अपडेट होती है जिस टीम से हम खेलते हैं सेम टीम टेलीग्राम चैनल पर देते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ पर क्लिक करो या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करो @FXpert, हमने जैसा लिखा है सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पर 14,500-600 के समथिंग सब्सक्राइबर वाला चैनल देखने को मिलेगा, और आपने यहीं पर क्लिक करके जुड़ने हैं। लास्ट टाइम में फर्दर अपडेट आएगा तो मैंने बोल दिया कि टीम टेलीग्राम पर दी जाएगी, तो वहाँ पर आपको अवेलेबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैचेज रहेंगे पता कितना बजे, 11 बजे नाइट को, मैं उस समय अवेलेबल रहूंगा और टीम आपको टेलीग्राम पे ही दूंगा। वेन्यू सेम रहेगा, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे जो कि जिम्बाब्वे के अंदर स्थित है, और इसी विकेट पे हमने कल 3 मुकाबले देखे थे ना, वहाँ पे चेस करने वाली टीम ने जीती थी, तो वेन्यू पे चेस करना बहुत आसान हो रहा है। बीबी की टीम लास्ट लगे हम हारी थी, वो भी स्कोरिंग ठीक था 101 रन, बट इनकी टीम ने हारी थी। ओपनर थे मामूल हक, इनके साथ आए थे कोबे हेरफट। बात करेंगे यहाँ पर इमामुल हक की, जो कि टीम के ओपनर बल्लेबाज है, एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, तो भैया इनको रखना इंपॉर्टेंस रहेगा। विकेट कीपर में इमामुल हक को आपको रखने हैं, ओपनर बल्लेबाज ठीक ठाक पर ले रहे हैं। कोबे हेरफट ने लास्ट लगे में 31 रन नोट आउट करे थे, और ओपनिंग किया था तो सेफ ये भी रहेंगे, अगर बल्लेबाजी क्रम से खेल जाता है अगैन तो आपको लेने हैं। वन डाउन यहाँ पे लोअरी एडवांस ने खेला था, टीम के बढ़िया अभी बल्लेबाज है, 12 रन कर रहा था, टीम के कैप्टनशिप भी करा रहे थे, आप इनको भी रखो क्योंकि इन्हीं को ऑप्शन को आपको छोड़ने हैं। ठीक है, मैंने कार्लेस ब्रैथवेट को कैप्टन किया था, बल्ले से 34 रन थे, 1 विकेट था, 2 ओवर डाल के मेरा कैप्टन अगर रहेंगे। वेसेली मादवेरे केवल 16 रन कर रहा था। वेलिंगटन मस्कदाजा टीम के बढ़िया बॉलर है, लास्ट लगे में सिलेक्शन काफ़ी कम था बट मैंने रखा था और 1 विकेट निकाल के गए थे। विक्टर कुछ खास नहीं करे, अकेला बे ने हमने अकेला को रखा था, बट एक ही ओवर डाली थी, इनको ज़्यादा टीम ने बोली दिया नहीं था। टीम के मुंबई बॉलर रहेंगे रिचार्ड नगरवा, ड्रायन डुपीलोन, उनके अलावा साबिर अली। तो आपको रिचार्ड नगारवे को रखने हैं, डायरन डुपिलोन को रखने हैं, तो इन दोनों बॉलर को आपको रखने हैं दोस्तों। सेफ रहेगा मामूल हक, कोबे हेरफट दूसरा, लॉरी इवांस तीसरा, ब्रेथवेट चौथा, पांचवा आपको मस्कदाजा को रखने हैं, छठा रखने हैं रिचार्ड को, सातवा डायरन को रखने हैं। तो इस टीम से 6-7 प्लेयर्स को आपको लेके चलने हैं, जिसको मैंने बता दिया, जो जो मेन मेन प्रोपर प्रोपर बॉलर है आप उनको कवर करिएगा, क्योंकि टी टेन में 2 ओवर से ज़्यादा एक बॉलर नहीं डाल सकता, तो फिर एक ओवर डालने वाला को मतलब रखने कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं आपको, इसलिए मैं बता रहा था। स्टार्टिंग ओवर रिचार्ड डालेंगे, उनके अलावा डायरन डालेंगे, अकीला डालेंगे, डेथ में विलिंगटन मस्कदाजा सातवा, आठवा नौवा नगरवा, 10वां आए थे डैरन, इसलिए मैं डैरन को रख रहा हूँ। स्टार्टिंग और डेथ इनको टीम दे रही है। मैच वाले जो भी प्लेयर्स बैठे हैं खेलेगा तो उनका स्टेटस तो हमने निकाल दिए, बाकी लास्ट टाइम कोई फर्दर अपडेट होएगी तो टीम टेलीग्राम पे मिलेंगी। सिटी एसए की जो टीम है ना, लास्ट वाला गेम हारी थी, 103 रन कर रहा था, बट इनकी टीम ने भी लास्ट वाला गेम हारा था एचबी की टीम से। ठीक है, ओपनर थे डेविड मलान, के साथ आए थे ब्रायन बेनेट। बात करेंगे डेविड मलान के, बल्लेबाजी क्रम में अवेलेबल है, खेलेंगे कन्फर्म, ओपनिंग करेंगे, 31 रन करा था, और आपने इनको रखने हैं, सेफ रहेंगे। ब्रायन बेनेट ने 16 रन करके गए थे, आप इनको भी ले लो, सेफ है भी रहेंगे, 16 रन करे थे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ओपनिंग किया था। वन डाउन कैसे अहमद खेला था, सिलेक्शन ना के बराबर था लास्ट वाला गेम में इनका, हमने रखा था और अगैन मैं रखूंगा, 5 रन 1 विकेट 2 ओवर डाल के। रूहान मुस्तफ़ा को भी हमने रखा था, सिलेक्शन इनका भी ना के बराबर था राउंड सिलेक्शन से, और बढ़ गया वाला की बात है, लेकिन लास्ट वाला गेम में सिलेक्शन काफ़ी कम था, हमने रखा था, काफ़ी विनिंग करी थी, 4 रन 1 विकेट 2 ओवर डाल के, तो रखने हैं। बेन करन को मैंने छोड़ा था, आप इनको भी छोड़िएगा, जूलियन ने 34 रन करा इस टीम से, विकेट कीपर के रूप में खेलेंगे लियोनार्डो जूलियन, जो कि विकेट कीपिंग भी करेंगे, ओपनिंग करेंगे, तो सेफ है भी रहेंगे। डेविड विली को हमने रखा था, 8 रन करा था और 1 विकेट निकाल गए थे। मारूमानी ने केवल फील्डिंग करा था, मापोसो ने 1 विकेट निकाला था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मापोसो को टीम ने डेथ में दिया था, तो जो डेथ वाले बॉलर है ना आप उनको इग्नोर नहीं करने, टीम आप पोसो बॉलिंग में अवेलेबल है, आपको ले लेने हैं इनको। ठीक है, तो सेफ रहेगा डेविड मलान पहला, ब्रायन बेनेट दूसरा, कैस अहमद तीसरा, रूहान मुस्तफ़ा चौथा, पांचवा अगर आपको लेने हैं तो जूलियन को ले लो, छठा डेविड विली, सातवा आपको मापोसो को रखना है। ठीक है, बेंच वाले जो भी प्लेयर्स बैठे हैं स्टेटस हमने लिखा है, और कोई भी लास्ट टाइम में फर्दर अपडेट होगी तो टीम टेलीग्राम पर मिलेगी। ये मामूला को अगर ओपनिंग कर रहे हैं तो बेहतर रहेंगे,
अगर मामूल हक नहीं खेलता है तो अब आपको जूलियन के साथ जाना है। बल्लेबाजी क्रम से डेविड मलान एलिवांस को रखने हैं, उनके अलावा हेरफर्ड को रखने हैं क्योंकि खेल रहे हैं, ओपनिंग करा रहे हैं, बढ़िया फॉर्म में है। कार्लेस ब्राथवेट, डेविड विल्ली, बी बैनेट, ओपनिंग किया जाता तो 16 रन करा था लेकिन बॉलिंग नहीं करा था, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, रोहन मुस्तफ़ा। फिर आएंगे बॉलिंग सेक्शन में, बॉलिंग सेक्शन में आपको रखने हैं रिचार्ड नगरवा को, कैश अहमद रहेगा, उनके अलावा आपके लिए सेफ रहेंगे डैरन भी, वेलिंगटन में अस्कताजा मपोसो, ये भी बेहतर रहेंगे। तो बी बैनेट को छोड़कर के अभी के लिए मैंने स्मॉल लीग की टीम्स में मपोसो को रखा क्योंकि ये लास्ट वाला गेम में डेथ में आया था इसलिए मैंने इनको रखा है। ठीक है, ब्रेथवेट मेरा कैप्टन आएगा, वाइस कैप्टन से स्मॉल लीग की टीम में डेविड मलान रहेगा, आप इनके जगह पर कैश अहमद को विजी कर सकते हो क्योंकि टीम इनको बल्लेबाजी क्रम से ऊपर खिला रही है। तो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। टेलीग्राम पर आप पहले जुड़ो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।